क्या बोला माता ने? विष्णु पार्टी वाले क्या कहते हैं? साकार क्या निराकार साकारी की कहते हैं? हैं? अपने को निराकार साकार कहते तो आपको क्या मुसीबत आ गई? हैं? क्या कहते हैं? क्या कह पूछना क्या चाहते? हाँ जी आत्माएं किसी शरीर में प्रवेश नहीं करती है, है? हाँ जी, उन आत्माओं को बिना शरीर के पार थोड़ी बजाना है। बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है, वो भक्ति मार्ग में जो हमने पार्ट बजाया है उसके लिए भी कहते हैं, और संगम युग में जो हमने पार्ट बजाया उसके लिए भी कहते हैं, क्योंकि संगम युग में वही रील घूमेगी जो 63 जन्मों में हमने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी रील घूमती है, नचाते भी पुरुषार्थ अच्छा होता है, और जब बुरे कर्मों की रील घूमती है तो नचाते भी बुरे कर्म हो जाते हैं। तिरसठ जन्म का आधार है संगम युग, और संगम युग का आधार है तिरसठ जन्म। अभी हम चाहे कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, हम तो लक्ष्मी नारायण बन करके ही दिखावेंगे, लेकिन ये बनी बनाई बन रही ये बीच में अड़चन आ जाती है, हम चाहते हुए भी अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर पाते,
तो नुधा हुआ है। रोटेशन अंत में निकालेंगे, जब आत्मा की सदर्शन चक्र घुमाने की गति अति तीव्र हो जाएगी। अभी तो बहुत धीमी गति है और सूर्यवंश के बाहर है और चंद्रवंश के बाहर है, दोनों को मिला करके प्रवृत्ति मार्ग बनता है। चक्र में बाबा उनका जो समय अंतराल है टाइमिंग आएगा चक्र में या कुछ दिन पीरियड में भी इक्वल है नौ लाख आत्माओं में हर धर्म के बीज हो गए, हर धर्म के आधार हो गए। कोई ऐसा धर्म की आत्मा नहीं बची जिसके स्वभाव संस्कार उन नौ लाख में से कोई बीज अथवा आधार मूर्त में न समाये हुए हो। हाँ जी जिनको सुख शांति का अनुभव हो रहा होगा, प्रसन्नता का अनुभव हो रहा होगा, जिनकी दुख और अशांति ज्ञान की पराकाष्ठा के कारण नजदीक अनुभव नहीं होती है, वो दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे। खुद भरपूर हैं तो दूसरों को भरपूर करावेंगे, और खुद ही खाली है तो दूसरों को अनुभव कैसे करावेंगे। पहले तो पुरुषार्थ में खुद भरपूर होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जबकि जीवन में लौकिकता खत्म हो जाए। कोई भी देखे तो देखने में आवे कि इनका ब्राह्मण जीवन अलौकिक जीवन है, इसमें लौकिकता का कोई नाम निशान नहीं है। जो बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा, तो सारी जिम्मेवारी बाप के ऊपर आ जाती है। सेवा भी हमसे बाप ही कराता है। सेवा की मेहनत भी हमको महसूस नहीं होगी। जो बाबा बोलते हैं कि बच्चे तो तमो प्रधान हैं, तमो प्रधान आत्मा सर्विस नहीं कर सकती, करण करावनार बाप दादा है। एक दिन रियलाइज करके देख लें, पूरी शक्ति लगा करके अमृत वेले से लेकर के रात के सोने तक। अमृत वेला भी सही हो, संतुष्ट संतुष्टि देने वाला क्लास भी सही हो, संतुष्टि देने वाला दूसरी आत्माओं की सेवा करने के लिए हिम्मत भी अच्छी रखें।
जो हिम्मते बाप बन जाए, हिम्मते बच्चे बने, फिर उस दिन का रिजल्ट देखें, अनुभव होगा कि हमने कुछ नहीं किया, कराने वाला करा रहा है। नहीं तो आत्माएं बोझ अनुभव करती है, ईश्वरीय सेवा में भी बोझ अनुभव करती है। बाप दादा कहते हैं अपना सारा बोझ मेरे को दे दो, खुद हल्के हल्के हो जाओ। छत्तीस से छिहत्तर तक क्या हुआ? 36 से छिहत्तर तक, चालीस वर्ष में थोड़े ही 75 वर्ष है, 76 में है, 40 वर्ष पूरे होने के बाद। जो आठ की रेंज है वो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, और 108 की माला में तो सब धर्म के बीज हैं। हम सब के लिए बोला है 50 वर्ष, 40 से 50 वर्ष, तो ये 10 साल और भी लगेंगे। और धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं, उनको संपन्न होने में। और खंड में नंबर 1 में बहुत से देश ऐसे हैं तो उसको कुछ समझ नहीं है। मुर्गी खंड में नंबर 1 में ऐसे बहुत से काले देश को कोई नहीं पढ़ने में नहीं आता है, काले हैं बिल्कुल, उन्हें ठीक करवाने की। ठीक है, इसके बाद जो छपाई हुई है दोबारा में उसमें ठीक हो गया, जो पुराना मुरलीखंड है। एक है पुराना वाला और एक है नया, जो नई छपाई की गई है वो डिजिटल कैमरे से की गई है, इसलिए उसमें ऐसी गलती भूल नहीं है, गलती नहीं है, पढ़ने में आता है पूरा। हाँ जी, हाँ जी, अब जो नई किताब छप, पहले वो किताब जो थी वो पुरानी छपी हुई है। और आपकी बेसिकली कट उतर गई होगी, इसलिए आप डायरेक्ट बाप से सुनने का अनुभव करते हैं, उनको डायरेक्ट बाप नहीं मिला है। जो मिला भी वो ब्रह्मा के द्वारा मिला, ब्रह्मा को ही वो अभी गुलजार दादी में बाप समझते, वो डायरेक्ट अनुभव उन्हें थोड़ा ही हो रहा है। परिवर्तन आ रहा है किसमें? दूसरे वालों में। हाँ, हम गए थे सेंटर में तो वहाँ पर बोले कि दादी जी मुरली सुनते हैं तो हमें डर लग गया, उन्होंने स्पष्ट हमें कहा, और फिर मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को कहते शाम क्लास है, अब मुरली में आ जाओ। यहाँ वो बाप को पहचानने की बात कर रही है, गंगानगर वालों से जिनसे आपका संपर्क हुआ
उन्होंने बाप को पहचान लिया? बाबा परिचय दिया, उनको बहुत अच्छा लगा, बाबा की सीख ली उन्होंने और सारा ज्ञान सुनवाया था। फिर आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया, लेके क्यों नहीं आ गए भर्ती कराने के लिए? उन्होंने कह दिया हम आएंगे, इन्होंने मान लिया हाँ आएंगे पक्के। और हाँ वो बात अधूरी रह गई, क्या पूछना चाहते थे? हाँ उनमें प्योरिटी की पावर जास्ती होने की वजह से लास्ट में भी निकलेंगे तो भी बहुत फास्ट जावेंगे। और जो जो गंदा कपड़ा होता है उसको ज्यादा पानी की डायरेक्ट जरूरत होती है, या जो कम गंदा होता है उसको डायरेक्ट जल की ज्यादा जरूरत होती है? तो जो राजाएं बनने वाली आत्माएं हैं वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, और शरीर से जास्ती गंदे बनते रहे उनको ज्यादा ज्ञान जल की जरूरत है, और डायरेक्ट ज्ञान जल मिले तो और अच्छा है। डायरेक्ट जो ज्ञान जल मिलेगा वो शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा? शुद्ध होता है, लेकिन कपड़ा बहुत गंदा है। कितना भी डायरेक्ट ज्ञान जल क्यों न मिले उसमें टाइम लंबा लग जाता है, और वो कपड़ा विजयमाला का स्वच्छ कपड़ा है, जन्म जन्मांतर का स्वच्छ कपड़ा है। कोई आत्माएं होती हैं 63 जन्म लेंगी, लेकिन 63 जन्मों में 63 से भी जास्ती आत्माओं के साथ संग का रंग लग जाएगा। और कोई आत्मा ऐसी है कि 63 जन्म भले लेंगी, लेकिन पति पत्नी के रूप में जो संग का रंग गहरा लगता है वो एक ही आत्मा के साथ लगेगा, औरों के साथ नहीं लगेगा। तो अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए बोला कि वो आत्माएं भले लास्ट में आवेंगी, लास्ट में आने पर भी फास्ट चली जावेंगी पुरुषार्थ। और बाबा बाटनी के कितने साल चलता है? बाटनी के कितने साल चलता हो? कितने साल चलता हो? अभी तो बताया 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से ततो प्रधान बनने में। जो प्रधान बनेंगी वो 84 जन्म लेने वाले प्रधान बनेंगे या कम जन्म लेने वाले प्रधान बनेंगे? तमो प्रधान भी 84 जन्म लेने वाले, और ततो प्रधान भी 84 जन्म लेने वाले। उनकी बात हुई अभी कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से ततो प्रधान बनने में। तो कौन सा टाइम हुआ? 2028। ये 10 साल का जो टाइम है उसमें पूरी माला तैयार होनी चाहिए। और हाँ, जब कृष्णा साकार शरीर में जन्म लेगा उस समय दुनिया की आबादी 9 लाख नहीं होगी। 9 लाख आबादी तब होगी जब वो गद्दी पे बैठेंगे। अथवा जब उनको शरीर छोड़ना होगा, पहला जन्म पूरा होगा। डेढ़ 150 वर्ष जब उनकी आयु होगी
तो दुनिया की आबादी 9 लाख होगी। हाँ तब वो भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन वो जो पैदाइश होगी और जो मृत्यु होगी उसमें ज्यादा लंबे टाइम का अंतर नहीं है। हम समझते हैं कि अंतराल होगा, लेकिन नहीं, इधर शरीर छोड़ेंगे और उधर जन्म लेंगे। वो तो गद्दी गद्दी जैसी चीज वहाँ कुछ होती नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो खड़े हुए दिखाए गए हैं, वहाँ गद्दी की और वहाँ कंट्रोलिंग की अनुशासनहीनता की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ एक मान्यता है, एक समझानी है कि सतयुग में राधा कृष्ण जो पहले जन्म लेंगे वो जब पूरी आयु उनकी होगी तो शरीर छोड़ेंगे, उस समय दुनिया की आयु बहुत दुनिया की आबादी 9 लाख होगी। माने देवी देवता सनातन धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो सब आकर के पहले जन्म में इकट्ठी हो जाएगी और बाद में बच्चे पैदा, जिस समय बच्चे पैदा होंगे थोड़ी देर थोड़े समय के बाद शरीर छूट जाएगा। हाँ जी है, गांठ का मतलब ये है स्त्री और पुरुष कुल जन्मों के हिसाब किताब हैं, वो संस्कार उनके टूट जाते हैं तो अलग अलग माँ बाप के घर में जन्म होता है, फिर जब शादी होती है तो उनकी गांठ जोड़ दी जाती है, अर्थात संस्कारों का मेल हो तो ऐसे ये माला है बिखर गई। यज्ञ के आदि में माला बनाते थे, टूट जाती थी, बनती नहीं थी, लेकिन अब क्या होगा, 2028 में पूरी माला तैयार हो जाएगी, रुद्रमाला भी हो या विजय माला भी हो। संस्कारों की गांठ मिल जाए, दोनों ही मन के फर्स्ट मन का और लास्ट मन का दोनों बाप के साथ ज्वाइंट हो जाए, दोनों ही नजदीक पहुंच जाए। फर्स्ट मन का ज्यादा सेवा करेगा या लास्ट मन का ज्यादा सेवा करेगा। समीप तो जब हो जाएंगे तब बने गांठ बनने लगाई जाने पर, लेकिन है हाँ नंबर वन जास्ती सेवाधारी है और जो लास्ट मन का है वो और मनकों के मुकाबले कम सेवाधारी है, इसलिए जब गांठ जुड़ जाएगी तो दोनों समान हो जाएंगे, समान संस्कार के हो जाएंगे। जो फर्स्ट जितना बाप के नजदीक है लास्ट भी उतना ही बाप के नजदीक आ जाएगा। एक का है विनाश का कार्य, शक्तियां हैं असुर संहारिणी, यही उनकी सेवा है। बाप प्यार का सागर है, क्या संहार नहीं करेगा, तो स्थापना और पालना से होती है सेवा,
विनाश भी जरूरी है, क्योंकि अगर आसुरों का विनाश नहीं होगा तो वो ग्लानी करते रहेंगे और जो भी स्थापना या पालना हो रही है उसके ऊपर पानी फेरते रहेंगे। प्रत्यक्षता नहीं हो सकती, इसलिए वो कार्य भी जरूरी है। विनाश भी कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? कल्याणकारी है, तो वो कार्य भी संपन्न होना चाहिए। जब तक विनाश संपन्न नहीं हुआ है तब तक प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। स्थापना और विनाश दोनों का कार्य साथ साथ चल रहा है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं लक्ष्मी का, कृष्ण का, हाँ कृष्ण, जो कृष्ण बच्चा है वो बच्चे के रूप में दिखाया गया है और लक्ष्मी महालक्ष्मी का रूप भी है। तो जो महालक्ष्मी का रूप है वो तो माँ का रूप है, इसलिए दिखा दिया है। बाकी तो बाबा कहते हैं माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, जिसके मन में जो आया वैसा चित्र बना दिए। और एक एक मिनट, ओ कुछ कोई बोल रहा था। हाँ देवियों की पूजा की जाती है, हाँ, और शादी की गाली वाली आरती गाई जाती है, हाँ? काली की आरती। काली देवी नहीं है? काली भी तो देवी है, गौरी भी देवी है। नंबरवार कालियां हैं, नंबरवार गौरियां हैं। कोई कम काली है, कोई जास्ती काली, कोई कम गौरी है, कोई जास्ती गौरी है। तो उनकी पूजा होती है, उनकी प्योरिटी के आधार पर कोई ने मानसिक पवित्रता धारण की है, कोई ने तन की पवित्रता धारण की है। जिन्होंने मानसिक पवित्रता धारण की है, तन की पवित्रता धारण नहीं की है, वो महाकाली के रूप में दिखाई गई है। इसलिए उनकी पूजा भी होती है, हाँ। जो भी भक्ति मार्ग में बातें हैं वो संगम युग की यादगार है, सत्युग की कोई यादगार नहीं है। कृष्ण वाली आत्मा अभी भी जो पार्ट बजा रही है वो सगीर बुद्धि का पार्ट बजा रही है या बच्चा बुद्धि का पार्ट बजा रही है? बच्चा बुद्धि का पार्ट बजा रही, तो उसका गायन है। हाँ हमने उसके सामने कुछ ग्लानी की बात कर दी तो हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा, किसी दूसरे ने ग्लानी की बात कर दी और उसका दिल उखड़ गया तो दूसरे के ऊपर चढ़ेगा। कंफ्यूज किसी ने किया होगा ना, तो कौन आपके ऊपर जबरदस्ती आपको लगा रहा है? आप अनुमान लगा के अपने ऊपर क्यों रख रहे हैं? हाँ
लास्ट वाला कौन सा होता है और फर्स्ट वाला कौन सा होता है? हाँ? बाप का तो अम्मा को पीछे पीछे नहीं रहने दोगे? हाँ? जब शादी होती है तो गांठ जोड़ी जाती है ना, जब गांठ जोड़ दी जाती है तो पीछे कौन चलता है आगे कौन चलता है? हाँ? पति आगे चलता है और पत्नी पीछे चलती है, तो वो पूरे परिवार को लेकर के चलती है। क्या पूरा परिवार है उसके साथ? और हाँ हाँ तो था। हाँ जी, आप इतने धीरे से बोल रहे हैं, आवाज ही नहीं है। अच्छा सुना किसी ने? मन की प्योरिटी का विस्तार जानना चाहते हैं। मन अगर एक बाप में लगा रहे तो मन की प्योरिटी कही जाएगी या नहीं कही जाएगी? है? कही जाएगी। न चाहते भी बाप ही याद आवे, कोई दूसरे को याद करना चाहे तो भी याद ना आवे। ऐसा कब होता है? मोस्टली ऐसा होता है कन्या पवित्र है, कन्या के जीवन में जो व्यक्ति पहले पहले संसर्ग संपर्क संबंध में आता है वो व्यक्ति सारा जीवन याद आता रहता है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हो जाता है। सबने जान लिया? शांत हो जाओ। लोग रहते नहीं है क्या? लाइट से ही सेवा होती है। पहले लाइट नहीं थी माउंट आबू में तो बाबा सेवा नहीं करते थे क्या? बच्चों से नहीं कराते थे? सेवा कोई साधनों से ही नहीं होती है, सेवा जितने साधन कम हो और जितनी हमारी साधना जास्ती होगी, साधना के फाउंडेशन के आधार पर जो सेवा करेंगे उससे रिजल्ट अच्छी निकलेगी, बारह स्टार क्वालिटी निकलेगी। हमारा तुम्हारा कहाँ से आ गया? उनकी अगर मस्जिद है तो मस्जिद में क्या दिखाते हैं? एक दीवार बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं मस्जिद। तो जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों के सामने दीवार बनकर के खड़ी हो जाती है। जो आत्मा, जो चैतन्य आत्मा
ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों के पुरुषार्थ के सामने दीवाल बन करके खड़ी हो जाती है, न खुद बाप को पहचानती है न दूसरों को पहचानने देती है। जानबूझ करके आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बांध लेती है। उसको मुसलमानों में मिस जिद्द नाम दे दिया। क्या? जिद्द पूर्वक आचरण करती है, न पहचानना है न दूसरों को पहचानने देना है। ऐसी आत्मा को जो फॉलो करने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, वो मुसलमान कहे जाते हैं। हिंदू उन्हें कहा जाता है, जो अपने मन के अंदर ही दर बनाए लेते हैं भगवान का। दर माने दरवाजा। तेरा मन दर्पण कहलाए। भगवान निराकार को कहा जाता है, भगवान साकार को कहा जाता है। निराकार साकार के मेल को भगवान कहा जाता है। सारा फाउंडेशन तो यहां पड़ता है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो जो यहाँ फाउंडेशन पड़ा है वो ही 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग में अलग अलग धर्मों में अपने अपने भक्ति मार्ग में देखने में आता है। ब्रह्मांड में ग्रह उपग्रह नहीं है, है? तो जो ग्रह और उपग्रह है वो आपस में टकराते नहीं है क्या? है? टकराते हैं। जब टकराएंगे तो दुनिया का वाइब्रेशन टूटेगा या जुड़ेगा? टूट जाता है, है? हाँ, हलचल हो जाएगी। विनाश होने में भी टाइम तो लगता है ना कुछ है? अभी विनाश की बातों का फाउंडेशन लग रहा है, धीरे धीरे ओजोन फट रहा है, धीरे धीरे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सैकड़ों मील ऊंची जमी हुई बर्फ पिघल रही है, दरार आ रही है। टाइम तो लगेगा ना, बता तो दिया 2036। एक ही बात को बार बार क्यों पूछना? 5 दिन क्यों? अभी तो बताया तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है, है? माने कितना टाइम में हो गया? वो पूछते हैं टाइम। 2028 हुआ ना, तो 2028 से लेकर 2036 तक कितने साल बचे? वो 8 साल जो बचे हैं उसमें विनाश ही विनाश चारों तरफ बरपा होगा, क्योंकि स्थापना का काम पूरा हुआ। जब तक तुम्हारी स्थापना पूरी नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। और
मन से सेवा तभी होती है जब मन एकाग्र होने की प्रैक्टिस होती है। जितना मन जास्ती एकाग्र होने की प्रैक्टिस पक्की हुई है उतनी हम सेवा का रिजल्ट भी अच्छा निकाल सकेंगे। और याद में तो सेवा खुद ही समाई हुई है, अलग से सेवा करने की दरकार भी नहीं है। यूं कहें कि जब तक मनसा पावरफुल नहीं बनी है तब तक हम कर्मेंद्रियों से, वाचा से, दृष्टि से सेवा करते रहे। जब मनसा पावरफुल हो जाएगी तो कोई प्रकार की मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी। बीज को पानी देने से सारे वृक्ष को यथा योग्य पानी मिलता रहेगा, क्योंकि बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है। एक एक आत्मा को अलग अलग हम पावर दे दें इसकी जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि एक एक आत्मा को जो सर्च लाइट देते हैं उसमें खतरा भी है। हो सकता है उस आत्मा को जो हम सर्च लाइट देते देते अपने स्वार्थ के संकल्पों में घुस जाएं, और जब स्वार्थ युक्त संकल्प हम करने लग पड़ेंगे तो उस आत्मा के साथ हमारा अटैचमेंट लग जाएगा, बजाय फायदा होने के नुकसान हो जाएगा। जब तुम बुलाओगी, बुलाती नहीं हो, अमृत वेले उठती नहीं, तो हाँ बहुत परेशान हो जाती हो, तो परेशान न हुआ करो, आत्म की स्थिति की शान में रहो। पर की शान में क्यों रहना, पर है रावण, पर है देह, तो देह की याद में रहोगी तो परेशानी होगी। देह और देह के पदार्थ और देह के संबंधी, इनकी शान में रहेंगे तो परेशान जरूर होंगे। ग्रह, हाँ ग्रह, ग्रह कहते हैं जो छोटी मोटी मछलियों को खा जाता है, वो ग्रह तो है, माया ग्रह कहा जाता है। जो राजा महाराजा होते हैं, मतलब इतिहास में लिखा हुआ है कि जितने भी है सब उल्टे कर्म किए, प्रजा को दुख दे के अपना सुख लिए, सब राजा महाराज है। सब नहीं, वो मतलब चौरासी जन जो लेते हैं वो तो द्वापर से करते हैं, मतलब दूसरे धर्म की राजाओं के साथ आ जाते हैं, लेकिन क्या भगवान ये ऐसे ही मतलब करने के लिए उनको मतलब देता है जो उल्टे कर्म से? जो द्वापर युग से राजाएं बने हैं वो राजाएं भगवान ने बनाए? अरे जो भारत में भारतीय धर्म के राजाएं हुए हैं, देवी देवता सनातन धर्म में राजाएं नहीं हुए द्वापर युग से? हुए तो क्या वो भगवान ने बनाए? नहीं, भी आ जाते है। कौन आ जाते है? सतयुग के राजा हैं, द्वापर युग के राजाओं के संग के रंग में कैसे आ जाएंगे? सतयुग के राजा हैं, सतयुग में थे, द्वापर के राजा हैं, द्वापर में होंगे। नहीं तो फिर आप अभी भी आप देख लीजिए, जो भी मतलब जिसके हाथ में सत्ता कंट्रोल में, जो भी प्रजा को दुखी करता। अरे तुम पहले बुद्धि में ये बात धारण करो कि द्वापर युग की जो राजाई है, कलयुग की राजाई है, वो भगवान नहीं देता। भगवान द्वापर कलयुग की राजाई नहीं देता है, वो फाउंडेशन डालना भगवान का काम नहीं है। द्वापर कलयुग में जो राजाई मिलती है
वो भगवान देता है या शैतान देता है? वो तो शैतान देता है। कहाँ, कौन से युग की बात कर रहे? जो द्वापर युग में आ गए वो तो नीचे गिर गए ना। जो मुसलमानों की किताबों में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह मियां ने आदम और हव्वा को जन्नत बख्श दी और शर्त रख दी कि तुम बाड़ी के बीच का जब फल खाओगे तो तुम दोजख में गिर जाओगे। तो द्वापर युग से यही तो हुआ, दो जख्म में गिर गए। वो बात पूरी समझ नहीं रहे, क्या बोल रहे? दुष्ट होते हैं लेकिन वो आत्माएं कौन सी हैं? जो लक्ष्मी नारायण थे वो द्वापर युग से आकर के दुष्टता धारण नहीं करते। वो देवता के देवता ही बने रहते हैं, तो वो भी करते हैं और ज्यादा करते होंगे, ये थोड़ा कम करते होंगे, क्योंकि उन्होंने संगम युग में जास्ती याद किया है और दूसरे धर्म वालों ने कम याद किया है। कौरवों को जो दो गुरु दिखाए, कौरवों में दो गुरु दिखाए हैं, कौरवों महाभारत में कौरव पांडवों के दो गुरु दिखाए हैं, दो गुरु दिखाए, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य है, यहाँ पर कैसे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य? हाँ, इनकी छुट्टी संगम युग में कैसे? द्रोण आचार्य कहा जाता है, द्रोण माने बुद्ध रूपी घड़ा, द्रोण माने घड़ा, जिनका बुद्ध रूपी घड़ा बड़ी तेजस्वी है, ऐसे आचार्य। और कृपाचार्य जो है वो राजगुरु है। द्रोणाचार्य राजगुरु नहीं थे, वो पांडवों को कौरव को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए रखे गए थे। तो दो प्रकार के गुरु होते हैं संगम युग में, ब्राह्मणों की दुनिया में भी। जो कौरव संप्रदाय है उनमें दो प्रकार के पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं मनुष्य गुरु। एक तो वो है जो परमानेंट बैठे हुए हैं अंदर, सरेंडर्ड होकर के बैठे हुए हैं, है या नहीं? है दीदी दादी दादाएं। और एक वो हैं जो परमानेंट नहीं बैठे हैं, जब चाहे तो अलग रहे और अलग रहते भी हैं। वो कांटों के जंगल में रहते हैं फिर भी गुरु बनकर के बैठे हुए। जैसे रमेश भाई हैं, वो गृहस्थी हैं या सरेंडर्ड हैं? गृहस्थी हैं, फिर भी सारी होल्डिंग पावर उनके उनके हाथ में है। और उनके मुकाबले जगदीश भाई सरेंडर थे या नॉन सरेंडर थे? हैं? सरेंडर थे, वो राजगुरु थे। हाँ,
पोता में लिखना आने से बुद्धि है। हाथ से जो गलती होती है वो पोता मेल में लिख करके बाबा को देते हैं। हाँ तो अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो पोता मिल दें। अगर अनिश्चय बुद्धि होते नहीं है तो पोता मिल देने की क्या दरकार। जो योग की पराकाष्ठा होगी उसमें तो एक बाप दूसरा न कोई, उसमें कोई दूसरा दिखाई पड़ेगा, याद आएगा नहीं याद आएगा। एक बाप ही बाप याद आता रहे, हर बात जो भी सामने आवेगी उसका कनेक्शन कहाँ बिठा देगा, बाप के साथ बिठा देगा। तो याद की पराकाष्ठा हो गई, ज्ञान की पराकाष्ठा है ये है कि दुनिया में अखबार छपते हैं, ढेर की ढेर बातें छपती रहती है, कोई भी इवेंट उठा लिया जाए और उसको ज्ञान के अनुकूल अर्थ कर दिया जाए, ज्ञान के अनुकूल उसे ढाल लिया जाए कि दुनिया में ऐसे होता है तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी छूटे हो रही होगी, उसका तालमेल बुद्धि में बैठ जाए। दुनिया में ढेर की ढेर फिल्में चलती हैं, अच्छे विचार भी चलते हैं और गंदे से गंदे विचार वाली फिल्में भी चलती हैं। सिनेमा हॉल में जाकर के ज्ञानी तू आत्मा बैठ जावेगी, उसकी खुशी बढ़ेगी या घटेगी, क्यों? क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा है। ऐसे ही सेवा, सेवा की भी पराकाष्ठा होती है। कोई कितना भी गाली देता है, कितना भी अकल्याण करता है, कितना भी बुरा करने वाला है, लगातार बुराई करता है, फिर भी सामने आ जाए तो उसको ज्ञान रत्नों से सेवा करे या पत्थर मारना शुरू कर दे, हा? सेवा करे। तो ये सेवा की पराकाष्ठा हो गई। धारणा, बल कोई कैसा भी है, गंदे से गंदी धारणा करने वाला भी है, धारणाएं अच्छी नहीं है, हमारी मेज पर ही बैठ करके मांस मदिरा खा रहा है, उसके साथ हम बैठ करके भोजन कर सकें, उसका संग का रंग हमारे ऊपर न लगे, उसके साथ रहें भी, सोएं भी, खाएं भी, पिए भी, फिर भी हमारे ऊपर कोई असर न लगे, लगातार उसे देखना पड़े, देखते हुए भी न देखना, लगातार उसकी बातें सुननी पड़े,
सुनते हुए भी न सुनना, लगातार कर्मेंद्रियों के संपर्क में भी आना पड़े। लेकिन संपर्क संसर्ग और संबंध में आते हुए भी उपराम होके रहना, यह है धारणा की पराकाष्ठा।